कभी सोचा आपने कि क्या फ्यूचर में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हम सभी के हाथों पर एक माइक्रोचिप लगवाएगी, एक ऐसी माइक्रोचिप जिसमें हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे आधार कार्ड तक की सारी डिटेल होगी, एक ऐसी चिप जिससे गवर्नमेंट हमें अपना गुलाम बना सकेगी। शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन ये एक हकीकत है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ वाकई में मौजूद है या अगर है तो इसके इंडिया में आने के कितने चांसेस हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखते जाएं, क्योंकि आज मैं आधार आईडी से लेकर डिजिटल इंडिया तक सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है क्या। तो बेसिकली ये एक चिप है जो कि साइज़ में बहुत ही छोटी होती है, तकरीबन एक चावल के दाने के बराबर। इस चिप को आप अपने हाथों में एक छोटा सा ऑपरेशन करके लगवा सकते हो, जिसके बाद आप अपने हाथ में लगे इसी चिप की मदद से काफ़ी सारे काम कर पाओगे, जैसे कि आप अपने ID प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल इस चिप से लिंक करवा सकते हो, जिसके बाद आप कहीं पर भी सिर्फ अपने हाथ से पेमेंट कर पाओगे। आपको कैश या किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस चिप की मदद से आपको अपने घर के दरवाज़ों को लॉक या अनलॉक करने के लिए भी किसी भी चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने हाथ से ये काम कर पाओगे। साथ ही साथ इस चिप को आप लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखना चाहते हो, तो इस चिप को आप उनके हाथों में फिट करवा दें, जिसके बाद आपको अपने मोबाइल के ऊपर उनकी हर एक खबर मिलती रहेगी, आपके बच्चे कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, किनके साथ हैं, ये सब कुछ। अब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें डाउट होगा इस बात पर कि ऐसी कोई माइक्रोचिप असलियत में होती भी है या नहीं, तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें इसी माइक्रोचिप के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, और मुझे उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपको इतना यकीन तो हो ही जाएगा कि ये सब कुछ एक हकीकत है। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज़ की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। ये माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में ये चिप यहाँ पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। समझने वाली बात यह है कि आज जब कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों के हाथ में चिप को लगवाना शुरू कर रही हैं, तो क्या आगे चलकर कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब कंपनीज के साथ साथ दुनिया की कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट भी अपने आम लोगों के हाथों में चिप को लगवाना शुरू कर देंगी? अगर हाँ तो इससे नुकसान क्या है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। शायद आप पहले से जान रहे हो इसके बारे में लेकिन फिर भी, तो डिजिटल करेंसी उसे कहते हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हाथ में 100 रुपये का नोट है तो वो आपकी कैश करेंसी हुई, लेकिन अगर आपके यही 100 रुपये आपके पेटीएम अकाउंट में मौजूद होते हैं तो वो आपकी डिजिटल करेंसी होती, क्योंकि वो डिजिटल रूप में ऑनलाइन सेव्ड है और इस करेंसी की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये है डिजिटल करेंसी। अब देखिए, इस RFID चिप को आम लोगों के हाथों में इम्प्लांट करवाने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा मकसद है तो वो है इस दुनिया से कैश करेंसी को ख़त्म कर देना और उसकी जगह डिजिटल करेंसी को जारी करना। और कैश इस दुनिया से तभी ख़त्म हो पाएगा जब हम सब उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें एक से एक डिस्काउंट ऑफर्स दिखाए जाएंगे कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो आपको 10% की छूट मिलेगी, ऑनलाइन टिकट बुक करो तो आपको 15% की छूट मिलेगी। और इन्हीं डिस्काउंट्स के लालच में आकर हम सब मार्केट में कई सारी चीज़ों को खरीदने के लिए कैश के बजाय ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करने लगेंगे और इसी तरह हमारी कैश करेंसी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं
कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन देशों के ऊपर। तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस चिप को लोगों के हाथों में इम्प्लांट करने का काम पिछले साल से ही शुरू कर दिया गया है। कई सारे लोगों के हाथों में वहाँ ऑलरेडी इस चिप को इम्प्लांट कर दिया जा चुका है, और ये मैं आपको कोई झूठी खबर भी नहीं सुना रहा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ही एक ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट पर यह खबर छपी है, ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू बिगन माइक्रोचिपिंग इट्स पॉपुलेशन। आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि इतने सारे लोगों ने आखिर कैसे इस चिप को अपने हाथों में वहाँ इम्प्लांट करवा लिया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने खास तौर पर इस चिप को आम जनता के बीच प्रमोट किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चिप को अपने हाथों में इम्प्लांट, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस चिप को इम्प्लांट करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लोग कैशलेस करेंसी को यानी डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपके हाथ में एक RFID चिप लगी होगी और आपके जितने भी रुपए पैसे होंगे वो सारे इसी चिप के अंदर होंगे, तो आप उसी को इस्तेमाल करके ख़रीदारी करोगे। क्यों आप बिना वजह कैश यूज़ करोगे? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई, कैश को ख़त्म कर देने से ऐसा क्या फ़ायदा मिल जाएगा हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को? तो उसका जवाब है कि कैश को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को लागू कर देने के बाद गवर्नमेंट को आपके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, या साफ शब्दों में आपको एक गुलाम बनाए रख पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि आपके हाथों में लगी इसी RFID चिप के अंदर आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल है, आपके ID प्रूफ की सारी डिटेल है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जो आपकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती, तो वो सीधे सीधे आपके हाथ में लगे चिप को डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे भूख से तड़प तड़प के मर जाओगे, क्योंकि उस वक्त कैश तो दुनिया में रहेगा ही नहीं, और मार्केट से कुछ भी खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए आपको अपने RFID चिप की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सारा पैसा इसी चिप के अंदर है जिसको आपकी सरकार ने अब डीएक्टिवेट करके इनवैलिड करार दिया है। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो आप चुपचाप गवर्नमेंट की हर बात मानोगे या भूख से मर जाओगे। अब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये RFID चिप को लोगों के हाथों में इम्प्लांट करने वाली बात बचकानी लग रही होगी या बेतुकी लग रही होगी। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखता हूँ जिसके बाद आप शायद इस बारे में थोड़े सीरियस हो जाओगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एरन रिज़ो के बारे में। तो पहले आप ये जान लें कि ये एरन रिज़ो है कौन। एरन रिज़ो एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, पर अफसोस आज से करीबन 10 साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मरने के ठीक कुछ महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जिसे शायद आपको एक बार देखना ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले इनकी मुलाकात रॉकीफेलर खानदान के एक शख्स जिनका नाम निकोलस रॉकीफेलर है उनसे हुई थी। अब जरा आप ये जान लें कि ये रॉकीफेलर खानदान, या कह लीजिए कि ये रॉकीफेलर फैमिली है क्या। असलियत में ये एक ऐसी फैमिली है जो दुनिया के रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अमीर फैमिलीज में से एक होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फैमिली भी है। और सिर्फ यही नहीं, ये रॉकीफेलर फैमिली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन यानी CFR की फाउंडर भी है। बताया जाता है कि 1937 में ही इनकी फैमिली का नेटवर्थ $340 बिलियन था। इतना पैसा अमेरिका की टोटल इकोनॉमी के 1.5% के बराबर है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो यही है वो फैमिली जो दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर दुनिया भर में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में जुटी है। तो जब एरन रिज़ो की मुलाकात इसी रॉकीफेलर फैमिली के एक शख्स निकोलस रॉकीफेलर से हुई, तब उस मुलाकात के बाद इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती गई। और इसी दौरान एरन रिज़ो को निकोलस रॉकीफेलर के ज़रिए एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि इन लोगों का जो अल्टीमेट गोल है, जो आखिरी मकसद है, वो है आम जनता के हाथों में एक RFID चिप इम्प्लांट करवाना। एक ऐसी चिप इम्प्लांट करवाना जिसके अंदर उनके सारे पैसे मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा ही नहीं, बल्कि आपको ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जिसमें एरन रिज़ो ने ये सारी बातें खुद कही हैं, और इसमें भी मैंने हिंदी सबटाइटल्स ऐड कर दिए हैं। The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, where and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food.
You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave, you become a serf. ये पूरा इंटरव्यू करीबन डेढ़ घंटे का है और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो इस इंटरव्यू को आज से करीबन 8 साल पहले अपलोड किया गया था। उस वक्त शायद किसी ने इस तरह की किसी RFID चिप के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज ये चिप एक हकीकत बनती जा रही है। इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैश करेंसी को ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी आबादी है, इसे डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा गौर करेंगे गवर्नमेंट के फुटस्टेप्स के ऊपर तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम सभी के आधार कार्ड बनवाए गए हैं, हम सभी का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया गया। बायोमेट्रिक डेटा का मतलब आपकी आँखों का और आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन। ये बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ आपका है। आधार आईडी की मदद से लाखों की भीड़ में भी आपको पहचाना जा सकता है। उसके बाद जन धन योजना की मदद से गरीबों तक के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। फिर हम सभी के आधार को अपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाने को कहा गया ताकि ये पहचाना जा सके कि यह आपका ही बैंक अकाउंट है। उसके बाद आया सबसे बड़ा झटका, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन के वक्त हम सभी लोगों के पास जो कैश करेंसी थी वो बेकार हो गई और हमें ऑर्डर मिला कि हम सब अपनी कैश करेंसी को ले जाकर, यानी 500 और 1000 के नोट को ले जाकर अपने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। और बैंक में जमा करवा देने के बाद हम सब उन पैसों को अपने पेटीएम अकाउंट में डालकर यूज़ करें डिजिटल करेंसी की तरह, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए, जैसे आलू, प्याज, दाल, चावल, दूध, दही। और इसी तरीके से हम सबको, गरीब अमीर सबको, डिजिटल इंडिया से जुड़ने को कहा गया। कैश करेंसी को छोड़कर कैशलेस करेंसी की तरफ आने को कहा गया। अब मैं भी ये जानता हूँ और आप भी ये जानते हो कि इस सब के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम लोग आज भी कैश ही यूज़ करते हैं जैसे पहले किया करते थे। डिजिटल करेंसी को आज भी कोई नहीं पूछता। इसीलिए इंडिया से कैश को ख़त्म कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और जब तक कैश नहीं ख़त्म हो जाता, इंडिया में RFID चिप इम्प्लांटेशन के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को करने का एक और तरीका भी है, जो कि है आधार कार्ड। मान लो कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो। अब अगर बाई चांस गवर्नमेंट को आपकी यह हरकत पसंद नहीं आती है तो गवर्नमेंट चाहे तो सीधे सीधे आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकती है। और अगर आप ध्यान दें तो आपका आधार कार्ड आपकी हर एक चीज़ से लिंक हुआ हुआ है, आपके बैंक अकाउंट से, आपके मोबाइल से, आपके राशन कार्ड से। और एक बार आपके आधार कार्ड के डीएक्टिवेट हो जाने के बाद ना आप अपने बैंक अकाउंट से एक रुपया भी निकाल पाओगे, ना आप अपने मोबाइल से कोई कॉल कर पाओगे और ना ही आप अपने राशन कार्ड से कुछ भी खाने पीने का सामान ले पाओगे। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह सब कुछ सच होगा या नहीं। खैर, अब तक आप जानते थे कि RFID चिप के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, इससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि अब इस RFID चिप की मदद से लोगों की जानें भी ली जा सकती हैं। सऊदी अरेबिया के एक इन्वेंटर ने एक ऐसी RFID चिप बनाई है जिसके अंदर साइनाइड नाम का एक केमिकल मौजूद होगा। साइनाइड क्या है? साइनाइड एक एसिड है जो कि दुनिया के सबसे ख़तरनाक पॉइजन या जहर में से एक है। और यही साइनाइड पॉइजन इस RFID चिप के अंदर मौजूद होगा, जिसको एक बार किसी इंसान के अंदर इम्प्लांट कर देने के बाद वो इंसान चाहे इस दुनिया में कहीं पर भी जाकर छुप जाए, सिर्फ एक बटन दबाते ही उसके बॉडी में मौजूद ये RFID चिप अपने अंदर मौजूद साइनाइड जहर को उस इंसान की बॉडी में रिलीज कर देगी, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस इंसान की मौत हो जाएगी। All right, this next story may sound like something out of, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. You get my point? The inventor's bid for a patent has been rejected in Germany. Okay, this is pretty macabre, pretty sinister and nefarious. How exactly would this work? Well, there's a category of technology that involves GPS tracking systems being shrunk down to the size where you could actually implant it surgically. And we've seen a number of applications for this. This is without question the most sinister version of it that I've certainly heard of. And the notion of tracking criminals is not new, but the notion of killing them remotely, I think, is a whole new thing. Yeah, and Germany says, look, we're not going to approve this. That's because right. For that very purpose. And apparently in some of the...